हाल ही में नीले रंग के फर वाले ग्रे लंगूरों को गुजरात के एक औद्योगिक क्षेत्र के पास देखा गया। यह औद्योगिक क्षेत्र अंकलेश्वर में है। ग्रे लंगूरों को हिंदू देवता हनुमान के नाम पर हनुमान लंगूर भी कहा जाता है। इसकी बहुत सी उपप्रजातियां हिमालय से लेकर प्रायद्वीपीय भारत तक में पाई जाती हैं। ये भूरे रंग का होता है और सिल्वर रंग की धारियां इस पर बनी होती हैं। हाथ और पैर इनके काले होते हैं और पेड़ की शाखों पर संतुलन के लिए बेहद लंबी पूंछ होती है, जैसी आपने आमतौर पर लंगूरों की देखी होगी, उससे ज़्यादा या उतने ही बड़ी इनकी पूंछ होती है। और जैसा मैंने आपको बताया कि हिमालय से लेकर प्रायद्वीप या भारत तक में इन्हें देखा जा सकता है, तो जाहिर सी बात है कि ये अल्पाइन, शंकुधारी, उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय झाड़ी वाले क्षेत्रों में निवास करते हैं। अगर भारतीय उपमहाद्वीप की बात करें तो इनका वितरण भारत के अलावा भूटान और नेपाल में भी है। IUCN की रेड लिस्ट में ये कम संकटग्रस्त यानी लीस्ट कंसर्न श्रेणी में आते हैं और साइट्स के परिशिष्ट एक में, एनेक्जर एक में इन्हें शामिल किया गया है। जहां तक बात वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की है, तो उसके तहत इन्हें अनुसूची एक में रखा गया है। तो ये थी एक जानकारी हनुमान लंगूरों के बारे में, जिन्हें ग्रे लंगूर भी कहते हैं और इनका साइंटिफिक नेम है सेमनोपिथेकस एंटेलस। वैसे गोल्डन लंगूर में एक और प्रजाति है जिसे जी या गी गोल्डन लंगूर कहते हैं। ये प्रजाति संकटापन्न है यानी एंडेंजर्ड श्रेणी में IUCN की आती है। वहीं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत इन्हें अनुसूची एक में रखा गया है। साल 2019 में जब भूटान में जीज लंगूर की संख्या पता की जा रही थी, तो 2009 की तुलना में 2019 में भूटान में ही 62% इनकी संख्या में गिरावट देखी गई थी। इसी तरह साल 2011 में नई दिल्ली की सेंट्रल जू अथॉरिटी ने असम में इन लंगूरों की ब्रीडिंग संरक्षण के लिए एक प्रोजेक्ट की शुरुआत भी की थी। तो ये थी जानकारी जीज लंगूर और उससे पहले ग्रे हनुमान लंगूर के बारे में। क्या आपने ग्रे हनुमान लंगूर या जीज गोल्डन लंगूर देखा है? अगर देखा है तो मुझे उसकी जानकारी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। या फिर आपने अपने आसपास के क्षेत्र में कोई लंगूर देखे हों, किसी भी तरह के कोई ख़ास बात देखी हो, तो वो भी जानकारी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस तरह के और भी कार्यक्रम सुनने के लिए, देखने के लिए ध्येय IAS के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखना न भूलें।